आज मैं आप सभी के साथ शेयर करने जा रही हूँ मसाला बैंगन भरुआ। ये फ्रेंड्स मैं अलग तरीके से बनाऊंगी और बहुत ही ये खाने में टेस्टी लगेगा। तो इसमें जो नारियल का फ्लेवर है बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो एक बार मेरी रेसिपी को मेरे तरीके से घर पर जरूर ट्राई कीजिएगा। हेलो फ्रेंड्स, इजी टू कुक फूड में आप सभी का स्वागत है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए मैं रेसिपी को शुरू करती हूँ। यहाँ पर मैंने लिया है 500 ग्राम बैंगन। बैंगन को मैंने अच्छे से धो लिया है और इसे मैं बीच से इस तरह से काट लेती हूँ। तो इसे मैं चार भागों में इस तरह से काट लेती हूँ। ये देखिए, बिल्कुल इस तरह से ही काटना है। सारे बैंगन को मैं इसी तरह से काट कर रेडी कर लेती हूँ। यहाँ पर सारे बैंगन को मैंने काट लिया है, ये देखिए। और यहाँ पर मैंने एक प्लेट लिया है और बैंगन में जो मसाला भराएगा उसको मैं इसमें तैयार कर लेती हूँ। तो यहाँ पर एक छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, एक छोटा चम्मच मैंने कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर, आधा चम्मच मैंने जीरा गोलकी का पाउडर और एक चम्मच मैंने इसमें धनिया पाउडर डाला है। थोड़ा सा मैंने इसमें पानी डाला है। मसालों को मैंने अच्छे से मिला लिया है। अब मैं बैंगन के अंदर इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके मसाला को भर लेती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, बिल्कुल इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके मसाला को अंदर में भरना है। इसी तरह से सारे बैंगन में मैं भर कर रेडी कर लेती हूँ। यहाँ पर सारे बैंगन में मैंने भर कर मसाला है जो रेडी कर लिया है। तो ग्रेवी के लिए मैंने यहाँ पर दो मैंने हरा मिर्च लिया है, थोड़ा सा मैंने नारियल लिया है, ये देखिए। और यहाँ पर मैंने थोड़ा सा लहसुन लिया है मीडियम साइज़ के। यहाँ पर मैंने तीन टमाटर लिया और एक मैंने बड़े साइज़ का प्याज लिया है। यहाँ पर मैंने पैन में दो चम्मच तेल डाला है। तेल यहाँ गर्म हो गया है। एक एक करके बैंगन को इसमें मैं डाल देती हूँ और इसे मीडियम गैस पर उलट पलट कर मैं पका लूँगी। तो इसे ज़्यादा नहीं पकाना है फ्रेंड्स, आधा ही पकाना है। आधा ये ग्रेवी के अंदर अच्छे से पक जाएगा। तो दोनों तरफ ही अच्छे से पक गया है। मैं इसे प्लेट में निकाल ली हूँ, ये देखिए। यहाँ पर जो पैन में तेल बच गया है इसी में मैं मसालों को भून कर रेडी कर लेती हूँ। तो ये मैंने खड़ा गर्म मसाला डाला है और ये मैंने ग्रेवी का जो मसाला मैंने रखा था उसको मैंने बारीक टुकड़ों में काट के डाला है। तो इसे 2 से 3 मिनट मीडियम गैस पर मिलाकर भून लेती हूँ। यहाँ पर ये 2 से 3 मिनट हो गया है, गैस को मैं बंद कर देती हूँ। और यहाँ पर मैंने इसे जार में निकाल लिया है। इसे ठंडा होने के बाद मैं पीस लूँगी। तो फ्रेंड्स, अगर इस तरह से मसालों को भून कर आप पीसिएगा तो इससे ग्रेवी में है बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। तो ये देखिए, मसालों को मैंने पीस लिया है। यहाँ पर मैंने पैन में 2 चम्मच तेल डाला है। तेल गर्म हो गया था तो 1 छोटा चम्मच मैंने इसमें जीरा डाला है। अब मैं पीस कर जो रेडी की हूँ मसाला को वो मैं इसमें डाल देती हूँ और इसे मीडियम गैस पर 2 से 3 मिनट मिलाकर भून लेती हूँ। यहाँ पर 2 से 3 मिनट हो गया है। अब मैं इस पर ऐड करूँगी सूखा मसाला। 1 चम्मच मैंने डाला हल्दी पाउडर, 1 चम्मच मैंने कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर डाला है, 1 चम्मच मैंने इसमें धनिया पाउडर डाला है। थोड़ा सा मैं इसमें पानी डालूँगी और अच्छे से मसालों को मैं मिला लेती हूँ। इसे 2 मिनट के लिए और मैं भून लूँगी। यहाँ पर 2 मिनट हो गया है, मसाला बिल्कुल ही रेडी हो गया है। तो 2 कप मैंने इसमें पानी डाला है और अच्छे से मैं मिला लिया है। और यहाँ पर स्वाद अनुसार मैंने इसमें नमक डाला है। एक एक करके बैंगन को इसमें मैं डाल देती हूँ और मैं मीडियम गैस पर इसे 5 मिनट के लिए पका लेती हूँ। तो यहाँ पर 5 मिनट हो गया है और ये देखिए फ्रेंड्स, बैंगन है जो बहुत ही अच्छे से पक गया है। अब मैं गैस को बंद कर देती हूँ और इसे आप फ्रेंड्स गरम गरम चावल हो, रोटी हो, पराठा हो, पूरी हो, किसी के साथ सब कीजिए। ये आपको खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगा। इस पे जो कच्चा नारियल है फ्रेंड्स, उससे इसका जो फ्लेवर है बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो एक बार मेरे तरीके से मेरे रेसिपी को घर पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको ये बहुत ही पसंद आएगा। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।